सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स कैसे हो? आई होप आप अच्छे ही होंगे। सो आए, घर जाने की तैयारी थी, सो एक सीन अच्छा नहीं हुआ। पहले बाइक में बैठ जाते हैं यार। सीन ये हो गया कि आप देख सकते हो हाथ में ब्लड लगा हुआ है। सो गाइस, ये कट लग गया है हाथ में, तो पेन तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। सब इसमें पट्टी वगैरह करते हैं, मैंने इसको दबा के रखा था तो ब्लड निकलना जो बंद हो चुका है फिलहाल अभी। सो इसको ब्लड को साफ करते हैं और डॉक्टर के पास चलते हैं, उसमें पट्टी वगैरह करते हैं। सो देखते हैं बाइक चलती है कि नहीं। गाइस बड़ी सावधानी से चलना पड़ेगा। सो गाइस, एक्चुअली हुआ ऐसा कि मैं अपने बैग को पैक कर रहा था और उसमें अपने कैमरे वगैरह डाल रहा था। सो जैसे ही मैंने अंदर हाथ डाला बैग के, सो अंदर एक ब्लेड था, शेविंग ब्लेड, उससे सीधी उंगली कट गई यार। सो ब्लड तो बहुत ज़्यादा निकल रहा था उस टाइम, बट मैंने उंगली को प्रेस करके रखा काफ़ी देर तक, 15-20 मिनट तक, क्योंकि ब्लड निकलने का रुकने का नाम ही नहीं रहा था। सो बड़ी मुश्किल के बाद ब्लड जो है वो बंद हुआ। पहले यार NS में तेल ही भरवा लेते हैं। सो गाइस पहले तेल भरवा लेते हैं, उसके बाद बात करता हूँ उसे। उंगली को सीधा करना पड़ रहा है। सो पहले ही मैंने पैसे रखे हुए थे। हाँ जी सर, मेरा राजीव कुमार, 9882923237। प्राइवेट जॉब करते हैं ये? विवेकानंद हॉस्पिटल में। क्या उम्र है आपकी? 32। घर कहाँ पे है? नगरी। तेरी कंपनी तक से कॉल आएगी आपको ना? हाँ जी। अगर कूपन सेलेक्ट हो गया तो फ्री गिफ्ट देगा कोई मुझे। थैंक यू। पता नहीं क्या दे दिए है ये, कुछ है सीन सा। चलो इसको फिलहाल घर में देखेंगे क्या है। इसको ये मैं डाल लेते हैं। सो गाइस, आप ही ऐसा कुछ ना करें, बैग में कोई तीखी चीज़ नोकीली चीज़ ना डालें। अगर डालनी हो तो उसको अखबार या किसी कागज में रैप कर लें या प्लास्टिक के डिब्बी वगैरह में डाल कर रखें। तो मेरे से तो गलती हो गई और मेरे को सज़ा भी मिल गई है। सो और मेरे को सबक भी मिल गया आज कि राजी दोबारा ऐसा नहीं करना है। सो आगे से हम इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे। सो गाइस, मैं घूम के नहीं जाऊंगा, मैं यहीं से राइट साइड टर्न ले लूँगा, बिकॉज़ मेरे को जल्दी से डॉक्टर के पास पहुंचना है। इसमें पट्टी करवानी है उंगली में और टेटनस का इंजेक्शन लगवाना है मेरे को। तो गाइस मैं चला हूं और मेरे साथ मेरी परछाई जा रही है। हेलो परछाई, चलो जी चलो। सुबह का टाइम है गाइस, तो ट्रैफिक तो होगा ही होगा। तो हम राइट साइड नहीं जाएंगे, हम सीधा चल जाते हैं, यहीं से फिर शॉर्ट ले लेते हैं और सीधा हम राम चौक पहुँच जाएंगे। चलो मैडम जी, इंडिकेटर तो दे लो। गाइस मेरे गांव में डॉक्टर हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। तो जब मैं बीमार वगैरह होता हूँ, कुछ भी होता है, तो मैं उन्हीं के पास ही जाता हूँ। तो मैंने सोचा उन्हीं के पास ही जाना बेहतर रहेगा, तो उन्हीं के ही पास जाऊँगा। यार मास्क लगा लगा के हाथ फैसती हो जाती है।
अभी पता नहीं साउंड कैसी आ रही होगी पीछे की, अभी तो मैंने मास्क को थोड़ा नीचे कर दिया है, अभी तो साउंड मेरे को लगता है अच्छी आ रही होगी, बट पीछे जो साउंड पता नहीं कैसी आ रही होगी, अभी तो एडिट करने बैठूंगा तो ही लगेगा पता गाइस साउंड कैसी आ रही होगी। मैंने तो सोचा था कि जो महंजे वाला पुल है, जो नया पुल बना है, उस पर बाइक खड़ी करके उंगली को देखूंगा, बट पेन ज़्यादा हो रहा है तो बाइक को यहीं कहीं साइड खड़ी करते हैं और पहले चेक ही कर लेते यार कि ब्लड तो नहीं निकल रहा है। अगर ज़्यादा ब्लड निकल रहा होगा तो वापस पालनपुर चल जाएंगे और पालनपुर में पट्टी वगैरह कर लेंगे। सो गाइस पहले यार चेक कर ही लेते हैं। चलो अभी तक तो ब्लड नहीं निकल रहा है पर पेन हो रहा है, तो उंगली को तो ऐसे सीधा करके रख रहा हूँ, मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, वो चलते हैं आगे। तो बाइक को कर लेते हैं न्यूट्रल, बिकॉज गाइस आपको पता ही है कि तेल के भाव कितने आसमान को छू रहे हैं। तो भलाई मेरी इसी में ही है कि मैं बाइक को न्यूट्रल ही मार लूं यार। सो गाइस BS6 बाइक का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो पल्सर है इसमें ये किल स्विच लगा हुआ है गाइस, आप देख ही सकते हो। वैसे तो चाबी ऑन है, ये हॉर्न वगैरह भी बज रहा है, और जैसे ये स्विच मैंने ऑफ कर रखा है तो देख सकते हो आप मीटर रीडिंग जो अब ऑफ हो चुकी है। जैसे जो भी मेरी जितने भी किलोमीटर लिखा होगा, जैसे 200 250 500 जितनी किलोमीटर चलेगी वहीं पे रुक जाएगी जितना जब तक मैं किल स्विच को ऑन नहीं करूँगा। जैसे ही मैंने किल स्विच को ये ऑन किया तो ये फिर देख सकते हो आप गाइस इसमें स्पीड जो अब भी चलने शुरू होगी, कितनी स्पीड में चले हुए हम, और प्लस इसकी जो मीटर रीडिंग है वो भी चलने शुरू होगी है, जो भी हम जितने भी किलोमीटर चलेंगे 200 250 से अब जा रहे हैं जितने भी जा रहे हैं बस मैं अभी जुड़ते जाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप बाइक को सेल करोगे तो देखोगे कि बंदा सोचेगा कि नहीं यार इसने इतने किलोमीटर चलाई है, ज़्यादा नहीं चला रखी है, बट उनको क्या पता कि एक ये भी सीक्रेट ट्रिक है इसमें। तो हम भी इसको ऑफ कर देते हैं बिकॉज मूड का पता नहीं होता कब बाइक को सेल कर देनी और कब दोबारा नई परचेज कर लेनी। सो गाइस आगे हम बाइक को खड़ी कर लेंगे और कैमरे की कुछ सेटिंग चेंज करके देखते हैं कि कोई वीडियो में फ़र्क पड़ता है कि नहीं। अगर फ़र्क पड़ेगा तो वो सेटिंग चेंज कर लेंगे, और नहीं करेगा तो जो सेटिंग की हुई कैमरे की उसी को ही रखेंगे। सबसे पहले ये सेटिंग चेंज कर लेते हैं गाइस। आगे बोर्ड बहुत ही दिखा है सो मेरे को ओवरटेक मारना पड़ेगा, अगर ट्रक के पीछे रहा तो ये जो मोड़ है ये मेरे को काटने के लिए मुश्किल होगी बिकॉज मेरे को काफ़ी दूरी बनानी पड़ेगी ट्रक से, तो इसलिए मैंने ट्रक को ओवरटेक मार लिया। तो गाइस रिएक्शन तो बहुत ही तो यार बाइक को ज़्यादा ही कुछ लेन कर दिया था मोड़ पे, सो जूता लग गया मेरा नीचे, शायद आपको कैमरे में कम ही दिखाई दे रहा होगा। सो गाइस मैंने जिस डॉक्टर के पास जाना है उस शॉप्स में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, सो जाके देखते हैं, नंबर लेना पड़ता है पहले टोकन वगैरह, सो भीड़ रहेगी तो लगता है भीड़ कम ही है आज। तो डॉक्टर आ गए हैं लगता है, सो पहले पट्टी वगैरह कर लेते हैं उसके बाद फिर चलते हैं गाइस। सो गाइस इंजेक्शन वगैरह लगा लिया है और पट्टी के लिए मैंने किरण ने बोला घाव खुला रहेगा तो जल्दी भर जाएगा, सो अभी चलते हैं घर की ओर और घर का माहौल देखते हैं कैसा है माहौल घर का। तो घर के पास शादी भी लगी हुई है, तो कल लड़का बारात लेके गया था, तो अभी दूल्हा जो है वो वापस आ रहा है घर को,
यार हमें जाने दो साइड से। तो ठीक है आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आप नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, चिल्ड्रन टेक केयर, बाय।